हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी अस्तर वाला सरारा गरारा बनाने का तरीका। ये सरारा गरारा मैं पुरानी साड़ी से बनाऊंगी। इसमें तीन चीजें बनाऊंगी सरारा गरारा के साथ साथ, दो चीज और बनाऊंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये देखिए, सरारा गरारा बनाने के लिए हमें अस्तर 2 मीटर अस्तर लिया है। अस्तर थोड़ा सा मैं लंबाई से ऊंचा ही रखूंगी, थोड़ा कम रखूंगी। और इस अस्तर को मैंने डबल फोल्ड कर रखा है। और डबल फोल्ड करने के बाद एक बार फिर से इस प्रकार से फोल्ड कर लिया। ये देखिए, अब मेरे पास कमर का नाप है 42 इंच। इसमें थोड़ा सा लूज ही रखते हैं, इसलिए मैं 2 इंच इसमें ऐड कर दूंगी और यहाँ से 12.5 इंच रखूंगी। और ये एक निशान ये रबड़ के लिए लगाऊंगी, ये इतना मैं रबड़ के लिए एक्स्ट्रा रखूंगी। और कमर का नाप जो नॉर्मल होता है प्लाजो पेंट में बनाते हैं उससे 2 इंच ज्यादा रखूंगी। और यहाँ से जितना मैंने कमर वाला निशान लिया है इतना ही मैं 12.5 इंच ही आसन वाला निशान लगाऊंगी। और यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। ऊपर से मैंने कमर का निशान लगाया 12.5 इंच, 12.5 में 2.5 इंच और ऐड कर दूंगी, 15 इंच रखूंगी। ये देखिए, और ये 15 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। और यहाँ से 1 इंच गोलाई में सेप दे दूंगी इस प्रकार से। ये देखिए, और अब जो नीचे की साइड है वो मैं यहाँ से जो मैंने 15 इंच लिया है इसे 0.5 इंच कम ही रखूंगी। वैसे भी ऊपर वाला कपड़ा मैं सरारा गरारा फ्रिल वाला बनाने वाली हूँ, ये अस्तर थोड़ा सा कम ही कट करूंगी। और यहाँ से ये निशान मिला दूंगी, ये देखिए ये निशान मिला दूंगी और इसे कट कर लूंगी। ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया। अब मैं जो ये मैंने रबड़ के लिए एक्स्ट्रा लिया है ये अलग से रखूंगी। और नीचे की साइड जो पहली फ्रिल लगाऊंगी वो मैं 15 इंच पे लगाऊंगी। तो एक निशान मैं यहाँ से जो ये मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है इसके बाद से लगाऊंगी 15 इंच पे। ये देखिए, और सीधा निशान लगा दूंगी। ये निशान मैं दूसरी साइड भी उतार लूंगी ताकि फ्रिल डालूं उस टाइम दिक्कत ना हो। अब जो नीचे हिस्से बचे हैं उनमें मैं 2 फ्रिल डालूंगी। लंबाई मेरे को रखनी है 38 इंच, तो 15 इंच मैंने ये ले ली। और 11.5 इंच पे निशान और लगाऊंगी, एक निशान 11.5 इंच पे लगाऊंगी। टोटल मिला के 38 इंच हो जाएगा मेरे पास से। और 11.5 इंच पे एक निशान और लगा दूंगी। और जो ये नीचे की साइड बचा है ये कुछ कम है क्योंकि अस्तर मैं 1 इंच ऊंचा रखूंगी। नीचे की साइड कपड़ा एक्स्ट्रा ले लूंगी। और अब जो ये मेरे पास साड़ी है इसकी 15-15 इंच की मैं फ्रिल निकालूंगी, दो एक साइड की और दो एक साइड की, 4 फ्रिल निकालूंगी। और फ्रिल की लंबाई 11.5 इंच में मैं एक ऐड कर दूंगी, 12.5 इंच रखूंगी फ्रिल की लंबाई। और जो ये चौड़ाई है, ये जो ये वाली चौड़ाई है इससे कम से कम 15-16 इंच ज्यादा रखूंगी ताकि प्लेट से अच्छे से डल सके। कपड़ा ज्यादा हो तो हम और ज्यादा भी रख सकते हैं। पहले तो मैंने ऊपर की साइड ये 15 इंच पे निशान लगा रखा है, 2 इंच ये फोल्ड के लिए, ये 17 इंच है टोटल। इसके बराबर का कपड़ा साड़ी से निकालूंगी, ये फ्रिल के लिए नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधा निकालूंगी। ये
ये मैंने साड़ी वाला कपड़ा चार कुर्ते में फोल्ड कर लिया है और जो ये पहला निशान है इसके बराबर और जो ये साइड से कटिंग है इस प्रकार से कटिंग करते हुए ये साड़ी के मैं दो पल्ले निकाल लूंगी। ये चार कुर्ते में मैंने फोल्ड कर रखी है और ये एक साइड से ये देखिए बंद होनी चाहिए, जिस साइड से ये प्लाजो वाला अस्तर बंद है उस साइड से, और मैं इसके बराबर कट कर लूंगी। ये देखिए मैंने ये ऊपर जो निशान लगा रखा है इसके बराबर ये दो हिस्से कट कर लिए हैं। अब मैं अस्तर को साइड में रख दूंगी और पहले प्लेट सर डालूंगी। जो ये मैंने शरारा गरारा के लिए प्लेट्स डालने के लिए दो हिस्से लिए हैं, इनमें मैं पहले प्लेट्स डालती हूँ। प्लेट्स में धागे वाली डालूंगी और जो ये वर्क है ये मैं नीचे की साइड रखूंगी ताकि लेस ना लगानी पड़े। तो मैं एक हिस्सा लूंगी और इसमें यहाँ पर पांच नंबर की सिलाई लगाऊंगी, बाद में उसके द्वारा मैं प्लेट्स बनाऊंगी। एक एक करके मैं सभी हिस्सों पे सिलाई लगा लूंगी और इसी प्रकार मैं प्लेट्स बनाऊंगी। ये देखिए मैंने प्लेट्स डाल ली हैं और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका एक हिस्सा लूंगी और इसको इस प्रकार से सीधा रखते हुए जो ये मैंने प्लेट्स डाली हैं इस हिस्से को जो ये नीचे वाला है ये सीधी साइड से रखूंगी और जो ये ऊपर वाला है प्लेट्स वाला इसको उल्टी साइड से रखूंगी और इस प्रकार से सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए और जो नीचे की साइड इसके साथ हिस्सा जॉइंट करूंगी वो इस हिस्से से 15-16 इंच ज्यादा बड़ा है ताकि प्लेट्स उसमें भी अच्छे से आ सकें। पहले मैं इसको लगा लेती हूँ इस प्रकार से मिलाते हुए। थोड़ी दूर में मैं बिना प्लेट्स के रखूंगी और बाद में प्लेट्स के साथ सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी और ये देखिए प्लेट्स छोटी छोटी कितनी सुंदर लग रही हैं। इसी प्रकार से जो नीचे की साइड हिस्सा आएगा उसमें प्लेट्स डालूंगी, सिलाई मैंने पहले से लगा रखी है। और इस धागे वाली प्लेट्स का हम जितना अगर छोटा रह जाए कपड़ा तो हमें धागे को थोड़ा सा इस साइड खिसका सकते हैं और अगर प्लेट्स ज़्यादा डालनी हैं तो धागे को इस प्रकार से खींचते हुए ये देख ये हम प्लेट्स गहरी गहरी डाल लेंगे वरना थोड़ा सा कम कम कर देंगे और बिल्कुल जो ये हिस्सा है इसके बराबर रखेंगे। ये देखिए मैंने प्लेट्स पहले से डाल रखी हैं और इनको बिल्कुल बराबर बराबर कर लूंगी। जिस प्रकार से हम धागा खींचेंगे उसी प्रकार से ये प्लेट्स अपने आप बनती जाएंगी और कपड़ा ज़्यादा रखना हो तो प्लेट्स को इस प्रकार से सीधा करेंगे। ये देखिए और इसी प्रकार मैं नीचे की साइड इसके साथ जो नीचे वाला हिस्सा है इसके साथ ही इसकी भी सिलाई कर दूंगी और इसमें भी ये जो मैंने प्लेट्स डाली हैं ये प्लेन कपड़े में डाली हैं और जो ये नीचे वर्क का कपड़ा आएगा इसी प्रकार जो इस साइड आया है इसी प्रकार नीचे की साइड आएगा और मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मैंने दूसरे हिस्से में भी प्लेट्स डाल दी हैं, प्लेट्स छोटी छोटी कितनी सुंदर लग रही हैं ये देखिए और ये लेस कितनी अच्छी लग रही है। और जो ये नीचे की साइड लेस है इससे जो ये किनारी है लेस के बाद की प्लेन वाली ये देखिए इसको अंदर की साइड फोल्ड करूंगी इस प्रकार से और इसी प्रकार से मैं दूसरे हिस्से को तैयार करूंगी। ये देखिए मैंने दोनों हिस्से तैयार कर लिए और नीचे से जो ये लेस के बाद का कपड़ा था उसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं अस्तर लूंगी और जो अस्तर की नीचे की साइड है उस साइड से दोनों हिस्सों को इस प्रकार से फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए इस प्रकार से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूंगी दोनों हिस्सों पे।
ये देखिए, ये मैंने दोनों हिस्सों पे सिलाई लगा दी। अब मैं ऊपर वाला कपड़ा लूंगी और जो ये आसन वाली साइड है इस साइड पर इस प्रकार से ऊपर वाले कपड़े को रखते हुए ये देखिए यहाँ से आसन वाली साइड से शुरू करूंगी और कच्ची सिलाई लगा लूंगी ताकि ये इधर उधर ना डोले। इस प्रकार से दोनों हिस्सों पे कच्ची सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है। अब मैं दोनों हिस्सों को लूंगी और बिल्कुल बराबर मिलाते हुए जो ये आसन वाली सिलाई है इसको लगाऊंगी। ये देखिए इस प्रकार से मिलाते हुए इसी प्रकार मैं दूसरी साइड सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए मैंने आसन वाली सिलाई लगा ली है दोनों साइड। अब इसको मैं आसन वाली सिलाई को बिल्कुल बराबर बराबर मिलाऊंगी। ये देखिए इसका सेंटर मिलाते हुए फिटिंग वाली सिलाई लगा दूंगी दोनों साइड। ये देखिए मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा ली। अब मैं प्लास्टिक डालूंगी ऊपर की साइड। प्लास्टिक हमेशा जो ये डबल हिस्सा होता है इसके एक हिस्से की साइज का कट करते हैं जो मैंने कट कर रखा है। ये देखिए डबल में ये एक हिस्से तक है। अब इसको मैं अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए मैंने इलास्टिक डाल दिया, प्लाजो बनके तैयार है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।